खबर देख रहे हैं न्यूज पर आज की खास खबर की एक अजीबोगरीब घटना सामने आई है। अक्सर हमने फिल्मों में देखा होगा कि व्यक्ति मरने के बाद जिंदा लौट आता है, चौंकाने वाली बात है ना। ऐसे ही हम भी चौंक गए थे जब हमें इसी तरह की घटना के बारे में पता चला। तो आइए जानते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। ये घटना हनुमानगढ़ जिले के भिरानी थाना की है, जो कि अब पुलिस के सामने एक बड़ी चुनौती बनकर खड़ी हो गई है। आपको बता दें कि भिरानी थाना अंतर्गत गांव जोगीवाला में हिसार रोड पर सड़क किनारे एक अज्ञात शव मिला था। उस शव के चेहरे और सिर पर काफी गंभीर चोटें के निशान थे। घटना की सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने अज्ञात शव की शिनाख्त के लिए जांच शुरू भी कर दी। घटना के अगले ही दिन महिला के शव की पहचान रानिया की परमजीत कौर बाजीगर के रूप में हुई। इस संबंध में महिला के परिजनों ने हरियाणा के सिरसा जिले के रानिया थाने में 17 नवंबर 2021 को गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करवाई थी। उसी के आधार पर भिरानी पुलिस ने परिजनों को बुलाकर शव का पहचान करवाया। पुलिस ने हत्या का मामला दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाया और उसके पिता को सौंप दिया, जिसके बाद परिजनों ने शव को अपने पैतृक गांव मगला ले गए और वहां उसका अंतिम संस्कार भी कर दिया। परमजीत कौर के परिजनों ने ससुराल पक्ष पर हत्या का आरोप भी लगाया था। मामले में तब नया मोड़ आया जब घटना के 13 दिन बाद परमजीत कौर अपने घर मगला में जिंदा पहुंच गए। जानकारी के मुताबिक 15 नवंबर को परमजीत कौर अपने ससुराल में लड़ाई झगड़ा कर घर से निकल गई थी। इसके बाद वह सीसा से निकलकर हरियाणा के गुड़गांव चली गई थी, लेकिन जब गुड़गांव में परमजीत को मालूम चला कि उसे मृत समझकर परिजनों ने उसका अंतिम संस्कार कर दिया है, तो उसके भी होश उड़ गए थे। परमजीत कौर के भाई ने बताया कि मृतका व परमजीत के कपड़ों सहित 5 निशानों को मेल खाने के बाद ही परिवारजनों ने शव की शिनाख्त किया था। अब सवाल ये है कि अगर परमजीत कौर जिंदा है तो जिसकी हत्या हुई है वह कौन थी। मृतक महिला के अंतिम संस्कार की बात भिरानी पुलिस के लिए अब एक बड़ा चुनौती खड़ा हो गया है। तो ये थी आज की खास खबर। इस तरह की खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए HM News।